जिस भाषा का इस्तेमाल चीन कर रहा है वो डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, और हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि डिप्लोमेटिक भाषा छोड़कर चीन अग्रेशन की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो चिंता का विषय है। और भारत चीन के बीच में किसी प्रकार का युद्ध छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों महाशक्तियां हैं एशिया की और विश्व की, और इसलिए ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो बहुत बहुत गलत होगा। इसलिए मशविरा यही है कि दोनों पक्ष बैठें, सरकार मीडिया को भी कंट्रोल करे, क्योंकि ये जो यहाँ अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर ये बहादुरी की बातें करते हैं एंकर्स, उनको भेजना चाहिए डोकलाम। लेकिन जो लोग रोजाना स्क्रीन पे बैठ करके पाकिस्तान से युद्ध करते हैं, जब चाइना की क्राइसिस हुई तो उनको सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, चाइना से ये एंकर हमारे लड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, क्योंकि देखते हैं ना ताकत किसके पास है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा। चाहे देखिए पाकिस्तान के साथ जब बात होती है तो मैं भी बेबाक होके इस बात को कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें कम्युनल एलिमेंट आ जाता है, चीन के साथ कम्युनल एलिमेंट नहीं आता है। तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इसका इस्तेमाल कम, इसका इस्तेमाल कम है, भय है कि कुछ होगा तो शायद दिक्कत होगी हमारे लिए, डोकलाम भेज देंगे। तो इसलिए चीन पर इनकी भाषा संयत नहीं है, वहाँ पर भी अग्रेशन की बात है, लेकिन जैसे कि वो आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में दिखाते हैं दोनों की तरफ की फोर्सेस एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो वो वहाँ का डोकलाम का नहीं है, वो कभी पहले का है, और सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने उसको दे दिया है कि तुम लोग दिखाओ कि धक्का दे के हम उनको पीछे कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात चीन के साथ हो रही है, लेकिन उस हद तक नहीं हो रही जिस हद तक पाकिस्तान के साथ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक कम्युनल एंगल भी है।